नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली सीरीज की एक और रेसिपी, जिसे मराठी में करंजी कहते हैं और हिंदी में गुजिया। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो करंजी या गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप सूजी या रवा और 1 कप मैदा। इसी कप से मैंने 1/4 कप यहाँ पर सूजी ली है। चाहे तो आप सीधे सूजी से या खाली मैदे से भी गुजिया बना सकते हो। थोड़ा सा इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया है और यहाँ पर 3 से 4 छोटी चम्मच तेल गरम करके मैंने इसमें मोयन डाल दिया है। गरम तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छे से एक बार मिक्स करना है, ताकि ये गरम तेल पूरे मैदे को अच्छी तरह से लग जाए। इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका आटा गूंथकर तैयार कर लिया है। आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तब तक हम अंदर की जो स्टफिंग होती है उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप सूखा नारियल लिया है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ली है और कुछ इलायची। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। उसमें मैं डाल दूंगी सूखा नारियल, जो कि हमने पहले से ही ग्रेट करके रख दिया था। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा गोल्डन होने तक इसे रोस्ट करना है। यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर इसे आया है। बिल्कुल ये जलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने लो फ्लेम पर ही इसे रोस्ट किया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल दूंगी 7 से 8 काजू और 7 से 8 बादाम। ये ड्राई फ्रूट समेत थोड़े से बस 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई रोस्ट करने हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सी जार में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसकी बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स की पाउडर भी तैयार है। यहाँ पर हमने जो कोकोनट लिया था वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स की पाउडर। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 1/2 कप चीनी, पिसी हुई चीनी यहाँ पर डाल दी है। इसे एक बार अच्छे से क्रश करते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। अब ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब आपको लेना है 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब इस घी में मैं यहाँ पर डाल दूंगी 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग ये इसे मराठी में साटा बोलते हैं, इससे हमारी जो गुजिया है वो बहुत फ्लेकी हो जाती है। इसे एक बार आपको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसी तरह से फेंट लेना है, ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। 10 मिनट के बाद हमारा डो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार और इसे गूंद लेंगे और बाद में इसकी हम गुजिया या करंजी बना लेंगे। अब यहाँ पर ये आटा तो तैयार है, तो इसे आपको किसी भी भारी चीज़ से, यहाँ पर मैं बेलन का यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से आपको इसे कूटना है। इससे करंजी बहुत ही फ्लेकी बनती है। अब सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार है, तो चलिए अब हम बनाते हैं गुजिया या करंजी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। इसकी हम लोग जैसे रोटी बनाते हैं, उसी तरह से एक यहाँ पर हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। थोड़ी सी पतली हमें बेलनी है, तो आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी पतली रोटी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हमने जो कॉर्नफ्लोर और घी की पेस्ट बनाई थी, उसे हमें पूरी तरह से पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड करना है। ये काम आप हाथ से कीजिएगा तो बेटर रहेगा। देख लीजिए, सारी रोटी पर आपको इसी तरह से ये फैलानी है। अब इसके बाद हमें इसका एक टाइट रोल बनाना है। देख लीजिए मैं किस तरह से इसका रोल बना रही हूँ। बिल्कुल इसे टाइट आपको क्लोज करना है, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से आप रोल बनाकर तैयार कर लो। अब ये रोल तो तैयार है, तो इसके साइड्स हम लोग कट कर लेते हैं पहले।
कपड़े के हम 1.5 से 2 इंच के एक जैसे शेप के हम इसे काट लेंगे। देख लीजिए ये बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये थोड़ी सी अंदर की जो लेयर्स है वो दिख रही होंगी, ये फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है। अब हमें इसे इस तरह से रखकर इसकी छोटी सी पूरी जो होती है गुजिया बनाने से पहले वो हमें इसे तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी हमें पतली बेलनी है, ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए यहाँ पर हमें ये बेल लेना है। अब ये छोटी सी पूरी बनकर तैयार है। हम लोग इसके अंदर अब हमने जो सूखे नारियल की और चीनी की जो स्टफिंग बनाई थी वो उसके अंदर भरनी है और इस करंजी या गुजिया को अच्छे से टाइटली क्लोज करना है। टाइटली क्लोज कीजिएगा, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद फूट सकती है और खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छे से क्लोज कीजिएगा और इसके एंड्स हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 करंजी या गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। अब मैंने इसे थोड़े से गर्म तेल में फ्राई होने के लिए डाल भी दिया है। गुजिया या करंजी फ्राई होने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे थोड़े से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करना है। तो देख लीजिए हमारी गुजिया या करंजी यहाँ पर फ्राई होकर तैयार है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, बहुत ही फ्लेकी बनी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की लेयर्स इसमें तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी बनी है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन होता है और उसके नीचे जो बेल आइकन है इसे दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को लिए मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।